बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल विलेज बॉय को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। तो जी, आज हम लगाने लगे हैं अमरूद का बूटा। एक आपको उस दिन दिखा दिया था, लगा दिया है पहले, वो उसकी वीडियो नहीं बना पाए। इसकी वीडियो लाजमी मैंने सोचा बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। वो ये दरख्त लगाना है, बहुत स्वाब होता है। कोई भी दरख्त हो, स्वाब बहुत ज़्यादा होता है। दरख्त लगाया जाए तो बहुत स्वाब होता है। तो मैंने सोचा कि साथ में वीडियो बना देता हूँ, तो साथ में दरख्त लगा देता हूँ। तो चलिए जी, आज लगाते हैं जी दरख्त। तो ऐसे ही आ चुके हैं अपने दरख्तों में आकर यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पर अमरूद का बूटा। यहाँ से निकालेंगे टोया निकाल के यहाँ पर अमरूद का दरख्त लगाया जाएगा। अभी चूहे के साथ टोया निकाला जाएगा। अभी जी मैंने बहुत ज़्यादा ना मिट्टी निकाल ली है। दरख्त लगाना बहुत ज़्यादा सवाब है। आप भी कोशिश करें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। कहीं रास्ते पर लगा दे, कहीं राह पर लगा दे, कहीं पर भी लगा दे दरख्त, बहुत ज़्यादा सवाब है। तो अभी जो मैंने टोया निकाल लिया है, तो अभी मैं अमरूद का बूटा लेने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी माशाल्लाह से हमारा अमरूद का बूटा, इसे लगाएंगे अभी।
ऊपर से सूखे सूखे पत्ते मैंने हटा लिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जड़ नीचे लेकर जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मट्टी साइडों पे डालते जाएंगे। और ये देख लीजिए मिट्टी मैंने सारी डाल दी है, तो अभी इसको पानी डालना है। और ये जी मैं अभी पानी डालने लगा हूँ, पानी मैंने लिया है। इसको पानी दिन में 3 बार देना है, तब ये अभी गर्मी आ चुकी है इसलिए 3 बार इसको देना है, ताकि गर्मी आ चुकी है, गर्मी से ये बचा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छा हो। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना सबका ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।